हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाड़ी के बोनेट के अंदर आपको कौन कौन से पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं उसके बारे में, और मैं आपको हर एक पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है वो भी डिटेल में बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि बोनेट के अंदर का कोई भी पार्ट्स आपको दिखाने का बाकी ना रह जाए। आज हम बात करने वाले हैं ब्रीजा डीजल इंजन के बारे में। दोस्तों, आपके पास ब्रीजा के सिवा डीजल की और कोई भी कार है तो टेंशन ना लीजिए दोस्तों, क्योंकि हर एक डीजल कार में आपको 99% पार्ट्स बोनेट के अंदर सेम देखने को मिल जाते हैं। और मैं पेट्रोल कार का भी अंडर द बोनेट वीडियो बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ दोस्तों। तो चलो अब जल्दी से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोनेट को ओपन कर लेते हैं। इस तरफ से हम देखना चालू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो इंजन का सस्पेंशन स्ट्रट होता है, उसका सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद में ये जो देख रहे हो वो ABS सिस्टम है, और इसकी बाजू में ब्लैक कलर का जो दिया गया है वो व्हील के चारों सेंसर होते हैं, उसका वायरिंग यहाँ पे कनेक्ट होता है और वो ABS को डेटा भेजता है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो जो ब्लैक कलर का है यहाँ पे जो दिया गया है वो मास्टर सिलेंडर है, वहाँ से होके दो पाइप्स आती है और वो जो दो पाइप्स है वो यहाँ पे कनेक्ट होती है। ये जो देख रहे हो आप ए वाली दो पाइप्स वो यहाँ पे कनेक्ट होती है, और उसके बाद में यहाँ से चार पाइप्स निकलती है, वो चारों व्हील में जाती है। और यहाँ पे आपको इंडिकेशन भी दिया गया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो RR लिखा है, मतलब कि रियर साइड का राइट व्हील है। फिर यहाँ पे FL लिखा है, मतलब फ्रंट साइड का लेफ्ट व्हील है। यहाँ पे जो लिखा है वो FR लिखा है, मतलब कि फ्रंट साइड का राइट व्हील है। और ए वाला जो लिखा है RL, मतलब रियर साइड का लेफ्ट व्हील है। तो हम एक लाइन को अभी ट्रैक करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो FR लिखा है, मतलब कि फ्रंट साइड का राइट व्हील। तो इस लाइन को हम ट्रैक करते हैं, ए लाइन जो है वो यहाँ से होके निकलती है और यहाँ से आप देख सकते हो अंदर जाती हो और यहाँ से वो अंदर चली जाती है। वो कहाँ पर अंदर जाती है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये राइट साइड का जो व्हील है उस पर हम देखते हैं, थोड़ा कैमरा में अंदर ले जाता हूँ। वो जो लाइन है वो यहाँ से बाहर आती है दोस्तों, और ये लाइन यहाँ से बाहर आके आप देख सकते हो ये वाली जो डिस्क ब्रेक है वहाँ पे ये लाइन जो है वो कनेक्ट की गई है। ओके, और दूसरा मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे देख सकते हो आप ये सेंसर लगा हुआ है, और ये सेंसर का जो केबल है उसको आप ट्रैक करो, वो यहाँ से होके केबल यहाँ पर जाता है और फिर यहाँ से ये केबल अंदर चला जाता है। और ये जो केबल है वो फिर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, वो केबल यहाँ पे आता है जो ये पूरा व्हील सेंसर के जो वायर्स यहाँ पे कनेक्ट होते हैं और ये ABS के साथ में कनेक्ट होते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, थोड़ा कैमरा मुझे अंदर ले जाना पड़ेगा, एक मिनट। ये जो देख पा रहे हो दोस्तों वो मास्टर सिलेंडर है, जिसको ब्रेक बूस्टर भी बोला जाता है। इसका काम क्या है कि जब भी हम ब्रेक पैडल प्रेस करते हैं तो हमारे एफर्ट को हाइड्रोलिक प्रेशर में क्रिएट करने का काम ये चीज़ करती है। और ये पहले मास्टर सिलेंडर ABS के साथ में जुड़ा होता है, वहाँ से ABS से होके सब लाइन है वो चालो व्हील तक जाती है। अब ब्रेक प्रेशर को क्रिएट करने के लिए ब्रेक फ्लूड की ज़रूरत पड़ती है, तो जो ब्रेक फ्लूड है वो यहाँ से, ये जो आप देख रहे हो कैप, यहाँ से ब्रेक फ्लूड भरा जाता है। और इसके बाजू में ये जो देख रहे हो टैंक है, कूलेंट की टैंक है, कूलेंट यहाँ से भरा जाता है, रेडिएटर का कूलेंट। यहाँ पे आपको लो और फुल का लेवल भी देखने को मिल जाता है। उसके बाजू में यहाँ पे आप देख रहे हो ये विंडशील्ड वॉशर यहाँ से भरा जाता है, इसमें नॉर्मल पानी नहीं भरा जाता है, इसमें विंडशील्ड का फ्लूड अलग से आता है, उसे भरा जाता है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो येलो कलर की आपको दिख रही है वो डिपस्टिक है, वो हमें इंजन ऑयल का लेवल चेक करना होता है तो हम यहाँ से कर सकते हैं डिपस्टिक से। उसके बाद में थोड़े डीप में मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे ये जो चीज़ आप देख रहे हो वो अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर का काम होता है दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, और ये जो एनर्जी जनरेट करती है उससे जो गाड़ी की बैटरी होती है उसको भी चार्ज किया जाता है, और गाड़ी के जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी इससे चलते हैं जब गाड़ी का इंजन चालू हो तब। और दूसरी एक बात मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि अगर आप पानी से इंजन बे को क्लीनिंग करवाते हो तो ख़ास ध्यान रखिए कि अल्टरनेटर के अंदर पानी ना चला जाए, नहीं तो वो बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकता है। उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों,
थोड़ा कैमरा और डीप ले जाता हूँ। ये जो चीज़ दोस्तों आप देख पा रहे हो वो एसी का कंप्रेसर है, वो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने का काम करता है। और आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो पाइप यहाँ से निकल के आती है, ए वाली पाइप, ये इसमें रेफ्रिजरेंट होता है। और वो रेफ्रिजरेंट की लाइन कहाँ पे जाती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ से होके लाइन यहाँ पे जाती है और ये जो कैप दी गई है यहाँ से रेफ्रिजरेंट को फिल किया जाता है। और ये पाइप आगे कहाँ पे जाती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो पाइप यहाँ से होके आप देख सकते हो ए वाली जो पाइप है वो यहाँ से होके यहाँ तक जाती है। और ये अंदर डैशबोर्ड के अंदर आप देख सकते हो कि जो ग्लव बॉक्स होता है उसके नीचे आपका एसी का ब्लोअर दिया गया है, एसी का फिल्टर भी आपको वहाँ पे मिल जाता है, एयर फिल्टर, तो यहाँ तक वह पाइप जाती है। उसके बाद में एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ये ब्लैक कलर के जो दो दिए गए हैं और दूसरे दो जो है वो यहाँ से आप देख पाओगे यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये दोस्तों ग्लो प्लग है और जब ठंडी का टाइम होता है तब इंजन को स्टार्ट होने के लिए प्रॉपर हीट नहीं मिल पाती है, तो उस टाइम पे ये ग्लो प्लग है वो इंजन को हीट करने का काम करते हैं और प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। उसके बाद मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हो वो इंजन ऑयल का फिल्टर है और ये बाजू में जो इंजन ऑयल है उसको रिफिलिंग करना हो तो यहाँ से ये कैप को खोल के हम इसको रिफिल कर सकते हैं। अब एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको गाड़ी के बाहर से दिखाने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पे आप जो देख रहे हो जाली के अंदर जो दिया गया है वो रेडिएटर है, जो इंजन कूलेंट होता है वो इंजन को कूल रखने का काम करता है। उसके बाद में कूलेंट को ये रेडिएटर कूल करता है। और रेडिएटर फैन मैं आपको यहाँ अंदर से दिखा देता हूँ। ये जो देख रहे हो फैन वो रेडिएटर फैन है। अब दोस्तों ये इंजन टर्बोचार्जर वाला इंजन है, तो टर्बोचार्जर की पूरी लाइन क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वैक्यूम पंप की पूरी लाइन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले जो बाहर के पार्ट्स है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये पार्ट जो आप मेन देख रहे हो वो ECU है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट बोला जाता है जिसको। गाड़ी के अंदर जितने भी सेंसर्स होते हैं वो इसके साथ में कनेक्ट होते हैं और ECU पूरी गाड़ी को कंट्रोल करता है। उसके बाद में ये जो चीज़ है वो नॉर्मल आप सबने देखी होगी बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो चीज़ दी गई है वो फ्यूज़ बॉक्स है। मैं फ्यूज़ बॉक्स का ढक्कन खोल के आपको दिखाता हूँ। वैसे तो ढक्कन लोग किसी काम के नहीं होते, लेकिन इसका जो ढक्कन है वो बहुत काम की चीज़ है दोस्तों, क्योंकि इसके ढक्कन के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे सब एक्स्ट्रा फ्यूज़ दिए गए हैं और जो डायाग्राम है वो भी इस ढक्कन पर बना होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस साइड में जो है ये फ्यूज़ है और ये सब जो है वो रिले है। इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है, आप देख सकते हो, जिसमें फ्यूज़ बॉक्स को डिटेल में समझाया गया है। टोटल तीन तरह के फ्यूज़ बॉक्स होते हैं, मेन फ्यूज़ बॉक्स, प्राइमरी फ्यूज़ बॉक्स और सेकेंडरी फ्यूज़ बॉक्स। ये वाला जो है वो प्राइमरी फ्यूज़ बॉक्स है। अब बात करते हैं दोस्तों इस साइड पे, तो अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो AB लिखा हुआ आपको दिख रहा है, A8 लिखा है, ये फ्यूल फिल्टर है। जो डीजल होता है वो फिल्टर होके यहाँ से निकलता है और ए वाली जो पाइप आप देख सकते हो ये पाइप यहाँ से होके अंदर होके वो यहाँ तक आती है दोस्तों। मतलब कि ये जो है वो फ्यूल पंप है, डीजल पंप है। और दूसरी पाइप जो यहाँ से निकलती है आप देख सकते हो वो यहाँ से होके, ये आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक जाती है। तो ये जो चीज़ है वो कॉमन रेल सिस्टम है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं टर्बो चार्जर के बारे में। टर्बो चार्जर के बारे में मैं एक अलग से डिटेल में वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको ऊपर समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पाइप दी गई है वो एयर इनटेक की पाइप है। यहाँ से होके ये जो पाइप है वो यहाँ पे जाती है। ये जो बड़ा बॉक्स दिख रहा है आपको सुजुकी लिखा हुआ, वो एयर फिल्टर है। और ये नीचे DDIS लिखा है वो क्या है वो आपको नहीं मालूम है, तो यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा। इसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखा हुआ है। अब आगे देखिए, ये जो एयर जो फिल्टर होती है वो फिल्टर होके एयर इस पाइप में आती है और यहाँ से नीचे जाती है। अब मैं कैमरा थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पाइप कनेक्ट है यहाँ से आके वो इसके साथ में कनेक्ट है यहाँ पे। तो ये जो बंदा है वो टर्बो चार्जर है। और टर्बो चार्जर के ऊपर ए वाली जो डब्बी दिख रही है आपको वो वेरिएबल जियोमेट्री है, वो एयर फ्लो के हिसाब से टर्बो चार्जर को कंट्रोल करती है। और उसके बाद में मैं थोड़ा डीप में ले जाना पड़ेगा कैमरा। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक मिनट में लाइट सेट कर लेता हूँ।
देखो अभी शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से एक दूसरी लाइन निकल के आती है, ए वाली। ये जो लाइन यहाँ से निकल के आती है दोस्तों, वो टर्बो चार्जर का आउटपुट है। यहाँ से कंप्रेस होके एयर आती है, और वो एयर जो है वो कंप्रेस एयर फिर वहाँ से जाती है यहाँ पे। देखो ये जो केबल, ये जो पाइप जा रही है वो यहाँ से इसमें जाती है। तो अब मैं दिखाता हूँ, ये आगे कंप्रेस एयर जाती है, वो जो चीज़ है वो ए वाली चीज़ है, ये जो बड़ी सी लंबी सी दिख रही है वो जाली जैसी, इसको इंटर कूलर कूलर बोला जाता है, क्योंकि जो एयर कंप्रेस होके आती है वो थोड़ी सी गर्म होती है, तो उसको ये इंटर कूलर में ठंडा किया जाता है। ये भी रेडिएटर की तरह ही काम करता है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो इंटर कूलर का ऊपर का पार्ट है वहाँ से ए वाली पाइप निकल के आती है, और इसमें जो है वो कंप्रेस लेकिन थोड़ी सी ठंडी एयर होती है वो यहाँ से होके आप देख सकते हो ये इंजन के अंदर तक जाती है। तो कंप्रेस एयर को इंटर कूलर में थोड़ा सा ठंडा किया जाता है, उसके बाद में इंजन के अंदर इंटेक किया जाता है। तो ये पूरा है टर्बो चार्जर का सिस्टम दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों वैक्यूम पंप की। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ वैक्यूम पंप कहाँ पे है। ए वाला जो आप देख पा रहे हो, एक मिनट, ये जो आप देख पा रहे हो ये वैक्यूम पंप है दोस्तों। वैक्यूम पंप एक्चुअली डीजल इंजन में ज़रूर पड़ती है। पेट्रोल इंजन में क्या होता है, इंजन उतना वैक्यूम है वो क्रिएट कर देता है। अब बात आती है वैक्यूम की ज़रूरत कहाँ पे होती है। तो इसको ज़रूरत ब्रेक बूस्टर, जो मास्टर सिलेंडर मैंने आपको पहले बताया था जो ब्लैक टाइप का, उसको ब्रेक प्रेशर क्रिएट करने के लिए वैक्यूम की ज़रूरत होती है। तो डीजल इंजन में ऐसा वैक्यूम पंप होता है जहाँ से वो वैक्यूम लेता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, वो मास्टर सिलेंडर के साथ में भी जुड़ा होता है। देखो ये वाली जो पाइप है यहाँ से जाती है वैक्यूम पंप से होके, और ये पाइप आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ जा रही है, और फिर वहाँ से, थोड़ा मैं कैमरा अंदर लेता हूँ तो आप देख पा रहे होगे, ये जो लाइट है, ये जो लाइन है वो यहाँ से होके पूरी, एक मिनट में थोड़ा देखो, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो लाइन पूरी वहाँ से होके मास्टर सिलेंडर तक जाती है। तो ये वैक्यूम पंप इसके लिए वैक्यूम क्रिएट करने के लिए काम में आता है। उसके बाद में मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये जो बड़ी सी चीज़ दी गई है उसको डिफरेंशियल बोला जाता है। डिफरेंशियल कैसे काम करता है उसको देखना है तो मैंने एक वीडियो बना के रखा है, ऑल व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव का डिफरेंस, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये डिफरेंशियल काम कैसे करता है। और लास्ट में एक चीज़ दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो दिया गया है, एक मिनट, यस, ये जो दिया गया है वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है। मतलब कि जो चारों सिलेंडर से जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती है वो यहाँ से होके पीछे साइलेंसर तक जाती है। ये BS4 इंजन है, अगर BS6 इंजन होता तो इसमें क्या है कि एक चीज़ ऐड की जाती है, कैटालिटिक कन्वर्टर, जो कार्बन कंटेंट होता है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी की जो गैस है उसको एटमोस्फियर में रिलीज़ कर देता है। तो दोस्तों ये था डीजल इंजन के बारे में डिटेल वीडियो। पेट्रोल इंजन का भी वीडियो मैं जल्दी से लाने वाला हूँ। अभी सबसे पहले मैं फ्रंट कैमरा कर लेता हूँ। देखो दोस्तों आप मेरा पसीना देख सकते हो। एक्चुअली मैं फ़ैन चालू नहीं रख सकता, फ़ैन चालू रखूंगा को तो आपको विंड की नॉइस आती है, इस वजह से मुझे फ़ैन बंद करके पूरा वीडियो शूट करना पड़ा है। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी है आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, ट्रैफिक रूल्स का पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए। मिलते हैं कोई अच्छे से नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू वेरी मच।